निदास ट्रॉफी के फाइनल में भारत को रोमांचक जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले दिनेश कार्तिक बेशक मैच के हीरो बन गए, लेकिन मैच के बाद उनका गुस्सा सामने आया है। जी हाँ, और इस गुस्से का राज खोला है खुद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने। मैच के दौरान दिनेश कार्तिक बहुत ज्यादा नाराज थे, किसी और से नहीं अपने कप्तान रोहित शर्मा से। क्या थी वो वजह, हम आपको बताते हैं। दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच में निदास ट्रॉफी के फाइनल में जब रोमांचक क्षण आ रहे थे तो दिनेश कार्तिक अपने बल्लेबाजी क्रम में ऊपर जाना चाहते थे। वो बांग्लादेशी गेंदबाजों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इतने उत्साहित थे कि जल्द से जल्द मैदान में जाकर अपना जौहर दिखाने के लिए बेताब थे, लेकिन रोहित शर्मा ने उन्हें रोक दिया। यही नहीं, उनके बल्लेबाजी का क्रम और नीचे कर दिया, जिस बात को लेकर दिनेश कार्तिक उनसे बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे। दिनेश कार्तिक को लगता था कि अगर वो शंकर की जगह जाते हैं तो वो भारतीय टीम को जीत दिला पाएंगे। ऐसे में शंकर जब मैदान पर एक के बाद एक डॉट बॉल खेल रहे थे और 18वें ओवर में जब भारतीय टीम को रनों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, ऐसे में वो लाचार से कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो दिनेश कार्तिक का गुस्सा साथ में आसमान पे जा पहुंचा। उन्हें लग रहा था कि उनके कप्तान का डिसीजन गलत साबित हुआ और इसकी कीमत भारत को बांग्लादेश से हार कर चुकानी पड़ेगी। उनके इस गुस्से को देखते हुए रोहित शर्मा ने दिनेश कार्तिक को समझाया। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि दिनेश कार्तिक उनके लिए मैच जिताएं और अंतिम ओवरों में वो भारतीय बल्लेबाजी की कमान संभाले। ऐसे में उनका बल्लेबाजी क्रम नीचे किया गया है, ये टीम की भलाई के लिए है। खैर, दिनेश कार्तिक मैदान में उतरे और ऐसी पारी खेली कि सबके दिल जीत लिए, और इस रोमांचक जीत का ही नतीजा था कि उनका गुस्सा हवा हो गया और उसकी जगह ले ली रोमांच, जोश और जुनून ने। दिनेश कार्तिक आखिरकार हीरो साबित हुए।